नोरा फतेही एक इंडो मारोको कनाडाई अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से भारतीय फिल्मों में काम करती हैं। वह मुख्य रूप से फिल्मों में अपने गॉर्जियस लुक और ग्लैमर्स के अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह बैली डांसिंग और निपुण डांसर और नोरा फतेही का असली नाम नूरा फती है। वह एक 27 वर्षीय अभिनेत्री और मॉडल और नर्तकी है जिसका जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन कनाडा में बिताया और टोरंटो के वेस्ट व्यू सेंटिनियल सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में वह अपने सनातन की पढ़ाई के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में चली गईं, लेकिन कुछ कारणों से वह अपना सनातन पूरा नहीं कर सकी। नोरा फतेही ने अपने स्कूली दिनों में इंटरनेट से बैले डांस सीखना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और एक मॉडल और प्रतिभा एजेंसी ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। नोरा फतेही ने मॉडल और टैलेंट एजेंसी ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के साथ मॉडलिंग शुरू की जिसमें उन्हें साइन किया और भारत भेजा। नोरा ने कई ब्रांडों जैसे मैक्सट्रीम टॉप्स चिप्स और एवरयूथ फेस वॉश के लिए कई विज्ञापनों में काम। उन्होंने 2014 में बॉलीवुड फिल्म दहार टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने डबल बैरल जो कि एक मलयालम फिल्म थी उसके बाद उन्होंने कई और फिल्में की जैसे कि टेम्परर बाहुबली द बिगनिंग किक टू और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया जिसमें उन्होंने एक विशेष उपस्थिति दर्ज की थी। उन्होंने लेडीज स्पेशल टाइम्स ऑफ सिंगल्स गर्ल्स नाम की एक वेब सीरीज पर एक यूट्यूब चैनल द टाइम लिनर्स पर की। उन्होंने बिग बॉस सीजन 9 में चुनाव लड़ा जिसमें वह एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और 83 दिन बाद बिग बॉस से बेदखल हुई। वह 2016 में झलक दिखला जा में भी एक प्रतियोगी थी। 2018 में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग दिलबर किया था जो जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते में। हमेशा एक सेलिब्रिटी बनने की ख्वाहिश रखती थी और उसी के लिए उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही डांस मॉडलिंग और अभिनय जैसे अतिरिक्त कौशल विकसित करना शुरू कर दिया था। उसी वर्ष उन्हें इंडिया की सबसे पसंदीदा फिल्म बाहुबली द बिगनिंग में प्रभास और राणा दुग्गुबली के आइटम गीत मनोहरी में भी दिखाया गया था। उन्होंने फिल्म सत्यमेव जयते में दिलबर के रिमेक संस्करण में अपने पेट नृत्य के साथ प्रसिद्धि और लोकप्रियता अर्जित की। इस चार बस्टर आइटम गीत ने रिलीज होने के 24 घंटों के अंदर 20 मिलियन व्यू हिट किए और YouTube पर 100 मिलियन व्यूज प्राप्त करने में से एक बन गया।